नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-2 सितंबर को कर्नाटक और केरल के दौरे पर जाएंगे। 1 सितंबर को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री कोचिन हवाई अड्डे के पास कलाडी गांव में आदि शंकराचार्य के पवित्र जन्म स्थान श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा करेंगे। 2 सितंबर को सुबह 9:30 बजे कोची में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत देश को समर्पित करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री मंगलुरु में करीब 3800 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, अपना कुर्सी बचाइए, आपकी कुर्सी कभी भी जा सकती है, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का खेल चल रहा है। वह अपनी सरकार बनाने के लिए रणनीति तैयार कर रखे हैं। यह खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नीतीश कुमार की कुर्सी कभी भी गिर सकती है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का सपना छोड़ दे। पाकिस्तान भीषण बाढ़ के कारण खड़ी फसलों के पूरी तरह नष्ट होने के बीच भारत से सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थों का आयात कर सकता है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि सरकार भारत से सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थ आयात करने पर विचार कर सकती है। बाढ़ के कारण विभिन्न सब्जियों और फलों की कीमतों में भारी उछाल आ गया है। अब तक 1136 लोगों की मौत हो चुकी है। एशिया कप 2022 में बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें सरजहां क्रिकेट ग्राउंड पर आमने सामने होंगी। बता दें कि राशिद खान ने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए, जिसके बाद वे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में राशिद खान दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। इस सूची में पहले नंबर पर बांग्लादेश के साकिब अल हसन हैं। टेस्ला के CEO एलोन मस्क और ट्विटर ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदने के अपने प्रस्ताव को रद्द करने के मुद्दे पर कानूनी तौर पर अपना अपना पक्ष रखा। इस बार एलोन मस्क ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कंपनी ने अपने खराब साइबर सुरक्षा बचाव और गलत सूचना फैलाने वाले नकली खातों को जड़ से खत्म करने के प्रयास में अपनी लापरवाही के बारे में नियामकों को गुमराह किया है। दिव्यांग युवती को बंधक बनाकर उनकी बेरहमी से पिटाई करने के मामले में रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा की पूर्व नेता सीमा पात्रा को गिरफ्तार कर लिया है। अरगोड़ा थाना पुलिस ने हटिया DSP राजकुमार मित्रा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। सीमा पात्रा पर IPC की धारा 323, 325, 346 और 374 लगाई गई है। वहीं उन पर SC/ST एक्ट का मामला भी दर्ज किया गया है। देश में अब तक सिर्फ 20% लोगों ने कोरोना की बूस्टर डोज ली है। देश में 18 से 69 वर्ष की आबादी करीब 77 करोड़ है। सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि इनमें से सिर्फ 12% लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। वहीं 60 साल से ऊपर की आबादी करीब 16.80 करोड़ है। इनमें से 35% लोगों ने बूस्टर डोज ले ली है। वहीं 18 से 59 साल के बीच 74,79,721 लोग बूस्टर डोज के लिए पात्र थे। 14 जुलाई तक इनमें से सिर्फ 8% लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई थी। नोएडा का ट्विन टावर गिर चुका है, लेकिन अभी भी मुख्य काम बाकी है, उसके मलबे का निस्तारण। सुपर टेक और एडिफाइस के बीच हुए करार के मुताबिक एडिफाइस प्लांट तक मलबा पहुंचाएगा और 156 रुपए प्रति टन के हिसाब से 28,000 टन के करीब 43,68,000 रुपए सुपर टेक चुकाएगा। ट्विन टावर के मलबे का निस्तारण सेक्टर 80 CNDD वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में जाएगा। ताजमहल का नाम तेजो महल करने की मांग फिर तेज हो गई है। इसे लेकर मेयर का कहना है कि प्रस्ताव आया है, सदन में पढ़ा जाएगा और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आगे की कार्यवाही होगी। पार्षद शोभा राम राठौर का तर्क है कि नगर निगम ने 4.5 वर्षों में सड़कों और चौराहों का नामकरण किया है, इसलिए अब वह ताजमहल का नाम तेजो महल रखने का प्रस्ताव नगर निगम में पेश करेंगे। कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसी सिलसिले में राजस्थान कांग्रेस भी लगभग 450 डेलीगेट्स की लिस्ट जल्द ही जारी करने वाली है। इनमें करीब 450 PCC मेंबर्स लिस्ट जारी होगी। वहीं 60 से ज्यादा AICC डेलीगेट्स की भी लिस्ट जारी होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार करीब 9,000 AICC PCC डेलीगेट्स राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोट डालेंगे। महाराष्ट्र में मुंबई के स्थानीय बोरी वाली अदालत ने मंगलवार को KRK के नाम से लोकप्रिय अभिनेता निर्माता कमाल रशीद खान को उनके वर्ष 2020 के कथित विवादास्पद ट्वीट के लिए 12 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद मंगलवार की रात ही उनके सीने में अचानक दर्द होने लगा। इसके बाद उन्हें कंदीवाली के शताब्दी अस्पताल ले जाया गया। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के तुरंत बाद उनके वकीलों ने अदालत में जमानत की अर्जी दी, लेकिन अदालत ने अभी तक इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार बीते वर्ष रोजाना दुष्कर्म के 86 मामले दर्ज हुए। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध के हर घंटे 89 मामले दायर हुए। रिपोर्ट के वर्ष 2021 में राजस्थान में दुष्कर्म के सर्वाधिक 6,337 मामले दर्ज हुई। वहीं मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। वहीं वर्ष 2020 में महिलाओं के खिलाफ कुल अपराधों की संख्या 3,71,503 और 2019 में 4,05,326 दर्ज की गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज हम दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत भारत का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल की शुरुआत कर रहे हैं। आज से कक्षा 9 के नामांकन के लिए आवेदन शुरू किया जा रहा है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगा। इस वर्चुअल स्कूल का नाम दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल रहेगा। एशिया कप T20 में रविवार को भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में मैच के दौरान बरेली के एक युवक ने पाकिस्तान टीम की जर्सी पहन ली। दरअसल बरेली के शराब कारोबारी संयम जायसवाल का पाकिस्तान का समर्थन करते हुए फोटो वायरल हुआ है। फोटो वायरल होने के बाद संयम जायसवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाओं की भरमार लग गई है। राइट विंग एक्टिविस्ट हिमांशु पटेल ने संयम जायसवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की है। पिछले कई दिनों से अपनी मांगों संबंधी पंजाब कृषि विभाग के मुख्य दफ्तर में धरने पर बैठे कृषि विकास अफसरों ने राज्य के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के आश्वासन के बाद धरना खत्म करने का ऐलान किया। बुधवार को कृषि मंत्री ने कृषि विकास अफसरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यह आश्वासन दिया है कि उनके जायज मांगों पर विचार किया जाएगा और साथ ही वे सब ईमानदारी और निष्ठा से राज्य के किसानों की मदद करें। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से मिशन मोड में है। इस क्रम में पार्टी के कई बड़े नेता बिहार आने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के अलावा 3 और राष्ट्रीय नेताओं की रैली प्रमंडलीय मुख्यालय में कराने की तैयारी है। यहां वे CA NRC समेत कई मुद्दों पर प्रमुखता से अपनी बातें रखेंगे। झारखंड के दुमका में दिल दहला देने वाले अंकिता हत्याकांड के आरोपी सारू के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसा है। झारखंड बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर पुलिस ने अंकिता हत्याकांड में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी हैं। दरअसल पहले FIR में अंकिता की उम्र 19 वर्ष दर्ज की गई थी। हालांकि बाद में इसमें सुधार कर मृतक अंकिता की उम्र 15 साल 9 माह की कर दी गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश हो गया है। यूपी में हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी कमी आई है। अन्य राज्यों की तुलना में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं करीब करीब खत्म हो गई है। सांप्रदायिक हिंसा की झारखंड में 77, बिहार में 51, हरियाणा में 40 घटनाएं सामने आई। वहीं महाराष्ट्र में 378 केस मामले दर्ज हुए हैं। 31 अगस्त को अमेरिका ने बाढ़ग्रस्त पाकिस्तान को $3 करोड़ की मानवीय सहायता देने की मंगलवार को घोषणा की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने कहा, हम इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के भयानक बाढ़ की चपेट में आने के कारण अमेरिका USAID के जरिए भोजन, सुरक्षित पेयजल और आश्रय जैसी महत्वपूर्ण मानवीय सहायता के लिए $3 करोड़ प्रदान कर रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को यहां कहा कि उनका देश कभी भी श्रीलंका जैसा आर्थिक संकट में नहीं फंसेगा। उन्होंने कहा, बांग्लादेश कभी श्रीलंका नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा। हम किसी भी विकास परियोजना को स्वीकार करने से पहले व्यवहारिक तरीके से सोचते हैं और देश सभी वैश्विक चुनौतियों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ता रहेगा। हम ऋण लेकर घी नहीं पीते हैं जिससे देश ऋण के जाल में फंस सकता है। हमारे कर्ज की राशि इतनी अधिक नहीं है कि हम किसी के भी कर्ज के जाल में फंस जाएं। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर विजन डॉक्यूमेंट पर गहन मंथन शुरू कर दिया है। विजन डॉक्यूमेंट 2022 को तैयार करने के लिए कमेटी गठित की गई है। वहीं इसके अलावा 12 सदस्यों की एक सब कमेटी का गठन भी किया जाएगा जो जनता की फीडबैक इकट्ठा करने का काम करेंगे। साथ ही बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट कमेटी से जुड़े लोग घर घर जाकर भी लोगों का फीडबैक और राय लेंगे। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई है, जिसे लेकर ऐसे खबरें आ रही है कि आमिर खान इसको नुकसान की भरपाई करेंगे। आमिर ने फिल्म की हालत को देखते हुए ये फैसला लिया है कि वो अब लाल सिंह चड्ढा के लिए कोई भी फीस नहीं लेंगे। वहीं इससे पहले आमिर की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी फ्लॉप हुई थी। दिल्ली में कल से पुरानी शराब नीति के तहत कुल 700 दुकानें खुलेंगी। पहले दिन यानी कि 1 सितंबर को 300 दुकानें खोलने के साथ पुरानी शराब नीति लागू कर दी जाएगी। आबकारी विभाग के मुताबिक दुकानें खोलने के लिए तैयार है। सितंबर माह में कुल 500 दुकानें खोल दी जाएंगी, जबकि 31 दिसंबर 2022 तक सभी 700 दुकान खोलने का लक्ष्य रखा गया है।
छत्तीसगढ़ में 3 नए जिले का 2 और 3 सितंबर को शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 सितंबर को 29वां जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ करेंगे। इसके अगले दिन 30 सितंबर को 30वां जिला सारगढ़ बिलाईगढ़ और इसके अगले दिन 3 सितंबर को 30वां जिला सारगढ़ बिलाईगढ़ और 31वां जिला खड़ागढ़ छुई खदान गढ़ई का शुभारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 28 जिले अस्तित्व में है जहाँ प्रशासनिक कार्य जारी है, लेकिन 30 सितंबर को राज्य में 31 जिले अस्तित्व में आ जाएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 2020 में गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए आज बिहार की राजधानी पटना पहुंचे हैं। केसीआर के पटना पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सीएम नीतीश ने मुलाकात के दौरान राव देश में वर्तमान और भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोनों नेता साल 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 3 दिवसीय दौरे के तहत जोधपुर में हैं। इस दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और चक्कर आने लगे, जिसके बाद SN मेडिकल कॉलेज की टीम ने सर्किट हाउस पहुंचकर उनकी जांच की। तेज उमस और गर्मी से सीएम गहलोत हुए असहज हो गए। सीएम गहलोत का आज दोपहर 1 बजे पाली पहुंचेंगे और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन करने का कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद जैतारण में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन करने का कार्यक्रम है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीनेटर जान ओसाफ ने मंगलवार को मुंबई में जय हिंद कॉलेज के छात्रों और प्रमुख व्यावसायिक अधिकारियों के साथ अमेरिका भारत संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की। 8 दिनों के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए ओसाफ ने मुंबई में जय हिंद कॉलेज के छात्रों के साथ अपनी पीढ़ी की चुनौतियों के बारे में युवाओं के साथ चर्चा की मेजबानी की। आज देश की पहली तिमाही के लिए GDP ग्रोथ के आंकड़े जारी होंगे। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून तिमाही के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आज शाम को जारी करेगा। महामारी की पहली लहर में जून 2020 में GDP में 23.9% की गिरावट आई थी। हालांकि COVID-19 महामारी की दूसरी लहर में स्थिति ज्यादा खराब होने के बावजूद जून 2021 में 20.1% की वृद्धि हुई थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे ऑपरेशन लोटस की जांच के लिए दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक बुधवार को CBI निदेशक से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आप नेताओं ने दावा किया है कि भाजपा ने दिल्ली में सत्तारूढ़ दल के 40 विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए देकर पाला बदलने का प्रस्ताव दिया है। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह का मानना है कि आने वाले समय में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भारत के कप्तान बनेंगे। उन्होंने कहा, उसे कप्तान बनना चाहिए, मुझे लगता है कि वह कप्तान बन जाएगा। उसने खुद का एक अलग पहलू दिखाया है, वह MS धोनी की तरह बन गया है। वह बहुत शांत और शांत है, वह बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। यह आता है जब किसी को अपनी काबिलियत पर विश्वास हो। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनु कुमार, अशोक कुमार प्रजापति, मोहम्मद अतुल्ला, राजकुमार कुशवाहा, अनिल सहाय, रवि शंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपने और आपके परिवार वाले ने कोरोना से बचने के लिए अब तक बूस्टर डोज लिया या नहीं? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।